यार सोनिया, मैं तो जा रही हवा में तैर। बहुत मजा आएगा। हाँ यार, अच्छा तो लगेगा, देखते हैं। अरे सोनिया, तुमने तो पहले भी की है पैराग्लाइडिंग, तो तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? यार की तो है, पर बहुत साल हो गए, पता नहीं अब कर पाऊंगी कि नहीं। जैसे हम कितने भी दिन हो गए ड्राइविंग नहीं भूलते, ये बिल्कुल वैसा ही है। पर यार बहुत सालों बाद डर तो लगता है ना। कुछ नहीं होगा, डर को मारो गोली और उड़ जाओ। तुम ठीक बोल रही हो, मैं हिम्मत जुटा रही हूँ। बस एक बात याद रखना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोमल, क्या तुम उड़ने के लिए तैयार हो? बिल्कुल सर। नाइस। सोनिया, कब तक इंतजार करोगी? मेरी मानो तो तुम भी उड़ जाओ और करो बातें हवा से, हिम्मत अपने आप आ जाएगी। सोनिया, डर लग रहा है? अगर आज नहीं उड़ना चाहती तो कोई बात नहीं है, आज छोड़ देते हैं, कल देखते हैं, या कल के बाद फिर कभी। और नहीं सर, हम आज ही उड़ेंगे, मैं तैयार हूं। दैट्स गुड। सोनिया, 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 पप्पू पानी, पंकज पानी ला, जल्दी पानी ला। सोनिया, 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 तुम ठीक तो हो ना? सोनिया, क्या हुआ सोनिया, तुम ठीक तो हो? हाँ, लेकिन लेकिन मैंने देखा कि क्या क्या देखा, और तुम अचानक बेहोश कैसे हो गई? मैंने किसी का खून होते हुए देखा है। क्या? हाँ, वहाँ पे एक आदमी ने एक औरत को चाकू मारा। कहाँ पे? वहाँ कहीं पहाड़ पे। अब इतने बड़े इलाके में कैसे पता चलेगा कि खून किसने किया और किधर? सीआईडी को बुलाना पड़ेगा।
सोनिया कुछ दिखा? अभिजीत अभी तक तो कोई लाश नहीं दिखी। 6 किलोमीटर का एरिया चेक कर लिया दया, आधा बाकी है। अभिजीत मालूम है इलाका काफी बड़ा है, इसीलिए तो तुम्हें भेजा है। अच्छा, मुझे पतंग बना के हवा में उड़ा रहे हो और नीचे फोटो चेक कर रहे हो। सर, खून हुए तो काफी टाइम हो गया है, हो सकता है खूनी ने लाश ठिकाने लगा दी हो। सर, अगर ऐसा हुआ होगा तो ऊपर से सबूत मिल पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक बार सोनिया वो जगह पहचान ले जहाँ से उसने उस औरत का खून होते हुए देखा था। सोनिया, तुम्हें वो जगह दिखी? नहीं सर, मुझे याद नहीं आ रही वो जगह। मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं आप लोगों की कोई मदद नहीं कर पा रही हूँ। कोई बात नहीं, तुम आराम से फुटेज देखो, है ना? वो जगह तुम फिर से देखोगी तो शायद सब कुछ याद आ जाएगा। जी सर। सर, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर अभिजीत सर ऊपर थक गए हैं सर, तो मैं जाता हूँ उनकी जगह पे एक ग्लाइडर पे सर, और पूरे एरिया को छान मार लेता हूँ सर। उसकी जरूरत नहीं है पंकज, अभिजीत बिल्कुल ठीक है। सर इतनी गर्मी है सर, वो बेचारे थक गए होंगे सर, अभी मैं जाता हूँ ना सर, मैं कर लूंगा। और अरे भाई साहब इधर आ, वो मेरे साइज का होगा ना आपके पास, तो वो ले आओ सर, वो ग्लाइडर पे जाने का। हाँ हाँ, जैसी आपकी मर्जी, आप लोग जब कहेंगे मैं आपको भेज दूंगा। वैसे आपका वेट कितना है? 90 और 100 के आसपास होगा। 90, 90, 100? अरे बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा है। सॉरी, आप कभी पैराग्लाइडिंग नहीं कर सकते। पंकज जाने दो, तुम यहीं पे रहो, यहीं पे मेहनत करो, ये मॉनिटर देखो। हा? सर शायद तुम्हें दिख जाए वो औरत की लाश। सर मैं बचपन से सर मैं रेड चड्डी बाहर पहनता था सर, ताकि मैं उड़ सकूं सुपरमैन की तरह सर। और मेरे माँ बाप सर मुझे कभी ग्लाइडर पर जाने नहीं देते थे, आज आप मुझे जाने नहीं दे रहे। आप भी कुछ मौका कब मिलेगा सर अपना टैलेंट दिखाने का, अपनी मेहनत दिखाने का सर? सही बात। क्या हुआ सोनिया, तुम ठीक हो? सर मैंने अभी देखी वो जगह जहाँ खून हुआ था। इसे रिवाइंड करके प्ले करते हैं। अब ध्यान से देखो, बताओ कौन सी जगह है वो। सर 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 ये जगह है वो। तुम्हें पूरा यकीन है कि ये वही जगह है? हाँ, ये जगह तो मैं भूल ही नहीं सकती, यहीं पे उस औरत को चाकू लगा था। ठीक है सर, उठो। अभिजीत तुम नीचे आ सकते हो, सोनिया ने वो जगह पहचान ली है। उस जगह का पता चल गया, नीचे ले लो। जी सर।
ऐसे ही देखिए तो लेडीज स्कार्फ है और इस पे खून नहीं लगा हुआ है। लगता है उसी लड़की का होगा जिसपे चाकू से हमला होते हुए पैराशूट वाली लड़की ने देखा था। अगर यहाँ आसपास हमें कोई लाश मिली तो नहीं है, मगर खून के निशान आगे की तरफ जा रहे हैं। हमला होने के बाद भी भागने की कोशिश की है उसने। देखते हैं निशान कहां तक लेके जा रहे हैं। सर, आ निकल। हम लोग देखते हैं, तुम उधर देखो। सर, यहाँ पे मिट्टी थोड़ी ढीली है, ऐसा लग रहा है हाल फिलहाल में यहाँ खोद के कुछ गाड़ा गया है। अंदर लाश तो नहीं है? हो सकता है। खोदो यहाँ। औरत की लाश ढूंढ रहे थे लेकिन यह केस और सामने आ गया, आदमी की लाश मिल गई। कई बार वार किया ऐसे चाकू से, विजिटिंग कार्ड, होटल एक्वावेव, कामशिप। होटल एक्वावेव क्या? लाश? अच्छा, हाँ हाँ, नहीं हम लोग वो ब्लड को फॉलो कर रहे हैं। हाँ, हाईवे की तरफ ही जा रहे हैं, देखते हैं वो लड़की मिलती है क्या। ओके, या दया को एक लाश मिली है, वो भी जमीन के अंदर गाड़ के रखी हुई थी, उसे भी चाकू मारा गया है। सर, हम तो सोच रहे थे कि सिर्फ एक औरत विक्टिम है, यहाँ पे तो दो दो लोगों पे हमला हुआ है। सर, लगता है वो औरत भाग गई है और उस आदमी को मुजरिमों ने मार के दफना दिया कहीं। ना खून गिरा रास्ते पे, लगता है वो औरत बुरी तरह घायल हो गई। जी सर, और ऐसी हालत में बहुत दूर तक जाना काफी मुश्किल है सर। हाईवे तो आ गया है, यहाँ तक तो आई है। एक काम करते हैं, हाईवे पे सबसे पूछताछ करते हैं, शायद किसी ने सौरत को देखा। जरे फोटो देखिए, ये आदमी यहाँ इस होटल में ठहरा हुआ है, जानती हैं आप इसे? हाँ, ये तो विक्रम जी हैं, यहीं रुके हुए हैं। क्या हुआ इन्हें? इनका खून हुआ है, एक सुनसान जगह पे इनकी लाश दफनाई हुई मिली है हमें। खून हो गया? ये तो हमारे होटल की रेगुलर कस्टमर है, इनफैक्ट जब भी यहाँ आते हैं इसी होटल में रुकते हैं। इस बार कब आए थे? करीब दो दिन पहले। अच्छा, फिर बाहर कब गए थे? कल सुबह सर, लेकिन उसके बाद दिखाई नहीं दिए। ठीक है, हमें उनका कमरा चेक करना है। श्योर।
रूम नंबर 102 में। उनकी वाइफ है वहां पर। क्या उनकी वाइफ अभी भी कमरे में है? कैसे हुआ ये सब? किसने मारा उन्हें? वो हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप बता सकती हैं कि कल विक्रम कहाँ गए थे? हमेशा की तरह अपने बिजनेस मीटिंग में गए होंगे वो। कौन बन गया उनके जान के दुश्मन? अच्छा, जाते वक्त उन्होंने आपको बताया था कि वो किससे मिलने जा रहे हैं? मुझे नहीं पता किससे मिलने जा रहे, मुझे नहीं बताया था उन्होंने। किस तरह का बिजनेस करते थे विक्रम जी? वो यहाँ के लोकल कारीगरों के हैंडमेड सामान को खरीद के एक्सपोर्ट करते थे। और आप लोग रहते कहाँ हैं? मुंबई में। तो आप लोग यहाँ कैसे आए, गाड़ी में? नहीं सर, टैक्सी में। टैक्सी से? और विक्रम ने कल होटल से टैक्सी ली थी? जी नहीं सर। ओह, मतलब विक्रम ने होटल के आसपास किसी टैक्सी स्टैंड से ही टैक्सी लिया होगा। आसपास के टैक्सी स्टैंड पे पता करते हैं। अरे सुनो जरा, हम लोग CID से हैं, आपसे कुछ पूछताछ करनी है। क्या हो गया साहब? आप में से किसी ने यहाँ पे किसी घायल औरत को देखा था क्या? शायद उस पे चाकू से हमला हुआ है। नहीं साहब, ऐसा तो कुछ नहीं देखा। साहब मुझे मालूम है। तुमने देखा था किसी जख्मी औरत को? नहीं मैडम जी, लेकिन कोई आदमी आया था यहाँ पर सुबह में। वो कह रहा था रोड के उस तरफ कोई लड़की बुरी तरह जख्मी है, वो कोई हॉस्पिटल के बारे में पूछ रहा था। कुछ 8:30-9 बजे के बीच की बात है? हाँ साहब, यही कुछ टाइम हो रहा था। सर शायद वही औरत होगी। कौन सा हॉस्पिटल बताया तुमने? साहब ये हाईवे पे थोड़ी दूर में एक हॉस्पिटल है, सिटी हॉस्पिटल, उसके बारे में मैंने बता दिया। थैंक यू। सुनो भाई साहब, आप लोगों से एक आदमी के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। कोई घर छोड़ के भाग गया है क्या? फोन हो गया उसका, हम लोग CID से हैं। ओह अच्छा सर, जरा इस आदमी को देखिए। आप में से किसी के टैक्सी में ये आदमी बैठा था? किसी ने सवारी ली थी इसकी? हाँ साहब, कल सुबह ये आदमी मेरी टैक्सी में बैठा था, और बहुत ही नकचड़ा आदमी था साहब ये। क्या किया इसने? अरे मैडम मैं आपको क्या बताऊँ, सारे रास्ते ये मुझसे बोलता रहा कि मैं टैक्सी धीरे चला रहा हूँ, पता नहीं कहाँ की जल्दी थी इसे। अच्छा, और आपने इस आदमी को कहाँ पे छोड़ा था? क्रीक रोड पे दोनों उतर गए थे साहब। मतलब इसके साथ कोई और भी था क्या? वो साहब रास्ते में एक औरत इसका इंतजार कर रही थी, वो भी बैठी थी मेरी टैक्सी में। सर कहीं है वही औरत तो नहीं जिसे चाकू लगा था और वो वहाँ से बच के भाग गई? हाँ हो सकता है। अच्छा, उस औरत के गले में पीले रंग का स्कार्फ था क्या? हाँ साहब, उस औरत ने पीले रंग का स्कार्फ पहना था, गले में लपेट रखा था। लेकिन सर विक्रम को उस औरत से क्या काम हो सकता है? कोई तो काम होगा। आपने इस आदमी को वहाँ पे क्रीक रोड पे कहाँ पे छोड़ा था एग्जैक्टली? साहब क्रीक रोड पे ये नंदकारी गांव से करीब 2 किलोमीटर आगे छोड़ा था साहब। नंदकारी गांव, वहाँ से 2 किलोमीटर आगे तो एकदम सुनसान इलाका है, वहाँ तो ना तो कोई गांव है और ना ही कोई बाजार, तो फिर? हाँ साहब, मेरी समझ में भी ये नहीं आ रहा है कि वो दोनों लोग वहाँ उतरे क्यों। शुक्रिया। ये नंदकारी गांव से 5 किलोमीटर आगे हमें इस विक्रम की लाश मिली थी। अब इनकी वहां पर कौन सी बिजनेस मीटिंग हुई थी ये वहां पर जाके पता करना होगा। CID। Yes, sir. हमें उस औरत से मिलना है जिसे चाकू लगा हुआ है, और आज सुबह ही भर्ती किया गया उसे यहाँ पे। क्या नाम है उसका और उसकी तबीयत कैसी है अब? एक मिनट मैम, मैं अभी एडमिशन लिस्ट में चेक करके बताती हूँ। प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए। श्योर। आज टोटल 20 ही औरतें भर्ती हुई हैं, और जिसमें से 12 बजे से पहले सिर्फ 2 ही औरतें थीं, और उसमें से एक को चोट लगी है और दूसरी का एक्सीडेंट हुआ है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है?
हमें पूरी जानकारी है, उसे इसी हॉस्पिटल में लाया गया है। एक मिनट सर, मैं फिर से चेक करके बताती हूँ। नहीं सर, आज कोई भी ऐसी औरत भर्ती नहीं हुई है जिसको चाकू लगा हो। सर, कहीं वो आदमी उसे किसी और हॉस्पिटल में तो नहीं ले गया? नहीं सर, कोई हॉस्पिटल जिसमें इमरजेंसी वार्ड हो यहाँ से लगभग 20-25 मील दूर होगा। फिर तो वहां नहीं जा सकता, इतनी दूर जाने की हालत में तो रही नहीं होगी वो। आप उस औरत की बात तो नहीं कर रहे? इसके? जिसे आज एक अधेड़ उम्र का आदमी यहाँ लेकर आया था। चाकू लगा था उसे, खून बह रहा था। सर वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो आदमी कह रहा था कि वैन में एक औरत है और उसे चाकू लगा हुआ है। तो आपने एडमिट किया उस औरत को? नहीं। क्यों? क्या करता कोई, जैसे ही हमारे वार्ड बॉय स्ट्रेचर लेकर के वैन के पास गए, उसका दरवाजा खोला, देखा औरत गायब थी। गायब? आपका मतलब है वो भाग गई वहाँ से? लगता तो ऐसा ही है। वार्ड बॉयज बता रहे थे कि जितना खून गिरा हुआ था वैन में, उसके मुताबिक उस औरत का बचना मुश्किल है। सर, ना इलाज कराने के बजाय वो अपनी जान बचाकर भागी क्यों? सर, हो सकता है उसने कोई गैर कानूनी काम किया हो और उसे डर हो कि हॉस्पिटल में एडमिट होने से उसे पुलिस पकड़ सकती है। हो सकता है, ये भी हो सकता है कि उसे डर हो कि जो बदमाश उसका पीछा कर रहे थे वो यहाँ पे ना आ जाए। अच्छा, जो आदमी उसे छोड़ने आया था उसका नाम पता कुछ लिखा आपने? जी नहीं। हाँ, उसने उस लड़की की मुझे एक आईडी दी थी जो कि उसे उसके पर्स से मिली थी। वो आईडी है अभी आपके पास? जी, प्लीज दीजिए। ये लीजिए। थैंक यू सर। रेशमा नाम है उसका, कामशेद की रहने वाली है, एड्रेस भी है। गुड, इस एड्रेस से उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालो। एक्सक्यूज मी, आप लोग बिना परमिशन के अंदर कैसे आ गए? देखिए, हम लोग सीआईडी से हैं और आपकी बहन रेशमा के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। रेशमा पर किसी ने चाकू से हमला किया। क्या? रेशमा को चाकू लग गया? और कोई उसे हॉस्पिटल भी ले गया, लेकिन इलाज करवाने के बगैर वो वहां से पता नहीं कहां चली गई। हम उसके घर गए थे उसे मिलने के लिए, लेकिन वो घर पे नहीं मिली और उसका फोन भी बंद रहा। क्या आप बता सकते हैं कि वो कहां मिलेगी हमें? Oh my God, वो मुझे रोज फोन करती थी, पर कल से उसका कोई फोन नहीं आया। मुझे लगा कि शायद वो अपने कामों में बिजी होगी, पर किसने किया सर उस पे हमला? देखिए, वो तो हम पता लगा ही लेंगे, मगर पहले एक बात बताओ, क्या रेशमा का किसी के साथ कोई झगड़ा वगड़ा था, कोई दुश्मनी थी किसी के साथ? नहीं, ऐसा उसने कभी कुछ नहीं बताया। वैसे रेशमा काम क्या करती थी? वो यहाँ के लोकल कारीगरों का पता लगाकर उनके हाथों से बने हुए सामानों का एक्सपोर्टर्स को बेचने में पहले मिडिल मैन का काम करती थी। लोकल कारीगरों के बनाए, मतलब हैंडीक्राफ्ट? सचिन, ये विक्रम भी तो हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट का काम करता है, तो जरूर ये विक्रम और रेशमा, इन दोनों का इस कोई ना कोई संबंध है, होना ही चाहिए। वैसे क्या कभी रेशमा ने विक्रम नाम के आदमी का जिक्र किया था? आपने सुना है उसके मुंह से कभी विक्रम नाम के आदमी का? नहीं सर, उसने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं बताया। देखिए जुही जी, रेशमा इस वक्त बहुत बुरी तरह से घायल है, ऐसी हालत में वो कहाँ जा सकती है आप बता सकते हैं? उसकी कोई दोस्त के पास या सहेली के पास जो कोई उसकी मदद कर सके, कोई याद आता है? हाँ सर, याद आया, उसका एक दोस्त है जो डॉक्टर भी है, डॉक्टर रणविजय, शायद वो उसके घर पे गई होगी। डॉक्टर रणविजय? सर यहाँ पे तो सच में कुछ नहीं है। कुछ तो जरूर हुआ होगा, वरना विक्रम और रेशमा यहाँ क्यों आते? वो देखो, इस जंगल में एक शेड तो है। हाँ सर, ऐसे सुनसान जंगल में ये शेड? चलो देखते हैं।
यार मोंटी, दूसरा लॉट भी ना अपने को फटाफट भेजना पड़ेगा क्या? जैकी, पागल हो गया क्या? बॉस का फोन आया था, पता चला है कि सीआईडी आजकल इसी एरिया में घूम रही है। सीआईडी से काय को डरने का? हाँ, आएगा, घूमेगा, फिरेगा और वापस चले जाएगा, क्या है? आप लोगों से मिले बिना वापस कैसे जाएंगे हम लोग? सीआईडी? बताओ क्या चल रहा है? सब क्या है इन बॉक्सेस में? सब लोकल टिम्बर है सब, हमें जहाँ से ऑर्डर मिलता है ना सब उधर ही भेज देते हैं अपन सब। लोकल टिम्बर है? हाँ सब। निकल चेक करो। आयर ये चक्कर है सर, ये मामूली लकड़ियां नहीं है, ये चंदन की लकड़ियां हैं। चंदन की लकड़ियां सब साहब, साहब हमारे पास परमिट है साहब ये सब कटवाने का। अरे परमिट है? हाँ तो परमिट दिखाओ। अब सब क्या हुआ? अगर झूठ नहीं बोल सकते तो सच बता, कहां से चुराई ये लकड़ियां? साहब काम से इसके जंगल से साहब। ओ तो गैर कानूनी तरीके से लकड़ियां बेचते हो तुम लोग? बता विक्रम को क्यों मारा? हाँ सर, हमारे ग्रुप के लीडर जो बोलते हैं हमको करना पड़ता है सब, हमको ज्यादा कुछ नहीं पता। कौन है तुम्हारे गैंग का लीडर? मुन्ना। कहाँ है ये मुन्ना? सर वो उस लड़की को मारने गया है जो हमारे हाथ से बचकर भाग गई थी। सर विजय दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? लगता है अंदर कुछ गड़बड़ है। ये दरवाजा तो खुला हुआ है। सावधान रहना मुन्ना अंदर हो सकता है। ये अंदर तो हाथापाई हुई है। घर को छान मारो लेकिन संभाल के, कोई भी किसी कोने में हो सकता है। सर ये देखिए, ये देखिए सर। तो यहां पे किसी का ऑपरेशन किया गया है। सर कहीं वो डॉक्टर रणविजय ने रेशमा का ऑपरेशन तो नहीं कर दिया? हम अगर दोनों है कहां? सर मुंडा गैंग तो नहीं लगे उन्हें? क्या हुआ? डॉक्टर रणविजय बेहोश है। उठा उठा। डॉक्टर रणविजय, डॉक्टर रणविजय, डॉक्टर साहब, डॉक्टर, डॉक्टर साहब। आप लोग कौन है? डॉक्टर साहब हम लोग सीआईडी से। क्या हुआ यहाँ पे? और रेशमा कहाँ है? वो बदमाश उसे मार देगा उसे वो बदमाश। लेकिन हुआ क्या यहाँ पे? सुबह रेशमा भागते हुए मेरे घर पे आई, बहुत जख्मी हालत में थी वो। उसने कहा मेरा इलाज करो, मैं उससे कुछ पूछ पाता उससे पहले ही वो बेहोश हो गई थी। आपने रेशमा का इलाज किया? मेरी दोस्त थी वो, इसीलिए मैंने ऑपरेशन तो कर दिया।
मगर 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 क्या? मैं कानून से डर गया था। ऑपरेशन के बाद मैं पुलिस स्टेशन फोन करने वाला था, तभी कुछ लोग आ गए मेरे घर में। लेकिन उन लोगों को पता कैसे चला कि रेशमा यहाँ पे है? सर पता नहीं, शायद उसका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गए होंगे। और रेशमा? मैंने रेशमा को भगा दिया और उन गुंडों को रोकने की कोशिश की तो मुझे उन्होंने बहुत मारा। आपने एक अच्छे नागरिक और अच्छे दोस्त होने का फर्ज निभाया डॉक्टर साहब। सर वो लोग बहुत ही खतरनाक लोग हैं सर, सर वो लोग मार देंगे रेशमा को सर। नहीं, कुछ नहीं होने देंगे हम लोग रेशमा को। जाके देख। हाँ तू चल मेरे साथ। उधर देखा कुछ पता नहीं चला। अरे तेरे इधर ही तो आई थी, गई किधर? उस तरफ देखते। चल 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 चल। छोड़ दो प्लीज। तूने हमारे बॉस को नाराज किया, और जो हमारे बॉस को नाराज करता है ना, उसे इस इलाके में हम जिंदा नहीं रखते। हाँ जो हमारा विक्रम को मेरी उससे दुश्मनी थी। पानी बना रहा है? मैंने तेरी कुंडली निकाल ली है, तू तो विक्रम को जानता भी नहीं था। किसके कहने पे मारा उसको? अगर मैंने उसका नाम बताया वो मुझे मार डालेगा। मार तो मैं भी तुझे दूंगा, सोच ले। तेरे बॉस से मैं तुझे बचा सकता हूँ,
लेकिन ना तो तेरा बॉस मुझसे बचेगा और ना वो तुझे बचा पाएगा। बोल। इसका नाम है मार दो अपने आप को। वैसे भी तुम जैसे लोगों को समाज की कोई जरूरत नहीं है। मारो गोली अपने आप को। क्या हुआ? हाँ? खुद को गोली मारना इतना आसान लगता मनीषा जी? होटल के बिजनेस के आड़ में तुम चंदन की लकड़ियों का स्मगलिंग का धंधा करती हो तो, हाँ? जंगल तो सभी लोगों का है। अगर थोड़ी बहुत हीरा फेरी करके मैंने पैसे कमा भी लिए तो क्या बुरा किया मैंने? बुराई ये है कि पेड़ों को काटने से समाज, दुनिया और वातावरण को खतरा है, समझी? दुनिया सिर्फ अपने बारे में सोच रही है, यहाँ के बारे में सोचने का ठेका थोड़ी ना लिया है मैंने। मगर लोगों को मारने का ठेका ले रखा है, क्यों? तो क्या करती मैं? क्या करती? इतनी रिस्ट्रिक्शंस हो गई थी, दूसरे राज्यों के कस्टमर तक चंदन की लकड़ियां भेजवाना मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। इसलिए मैंने रेशमा की मदद की, जो विक्रम को लोकल हैंडीक्राफ्ट दिलाने में मदद करती थी। मैंने बस उसे इतना कहा कि उन सामान के साथ चोरी से थोड़ी सी लकड़ियां मेरे भी भिजवा दे, बस। अगर रेशमा ने तुम्हारी बात मानने से मना कर दिया? इनकार ही नहीं किया उसने, उसने सब कुछ जाके विक्रम को बता दिया और विक्रम मेरे खिलाफ पुलिस रिपोर्ट करने की तैयारी करने लग गया। और इसीलिए तुमने दोनों को जान से मारने का प्लान बनाया? हाँ, मैंने अपने दोस्त उदय से कहा कि वो किसी भी तरह से बस रेशमा तक ये खबर भिजवा दे कि उसके वेयर हाउस में लोकल हैंडीक्राफ्ट इकट्ठे हो रखे और वो विक्रम के साथ जाके उनका सौदा कर ले, बस। तो वहां पर तुम्हारे गुंडे पहले से इंतजार कर रहे थे ने जान से मारने के लिए, हाँ? हाँ,
विक्रम तो मर गया, पता नहीं कैसे। चाकू लगने के बाद भी रेशमा बाहर निकली, काम निकली वो। और तुम्हारा पर्दाफाश हो गया, अब तुम जेल जाओगी। प्राकृतिक संपदा को नुकसान पहुंचाना, रेशमा को जान से मारने की कोशिश और विक्रम का खून करने के जुर्म में कानून तुम्हें भी सजा सुनाएगा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.